हमारे श्री राधा रमन लाल जी भोग लगा रहे थे एक बार। पुजारी जी भोग लगाते हैं तो 45 मिनट भीतर नहीं जाते ठाकुर जी के पास, अभी भोग का समय, हम अंदर नहीं जा सकते। तो श्री राधा रमन लाल जी भोग पा रहे थे तो सेवा अधिकारी 45 मिनट के लिए बाहर बैठे थे, तो कोई आ गया उससे बात करने लगे दूर बैठे बैठे। 45 मिनट पूरे नहीं हुए उससे पहले बिना ताली बजाए बिना गेट नॉक किए जैसे ही राधा रमन जी के कक्ष में प्रवेश किया तो क्या पाया पता है? श्री राधा रमन लाल जी के होठ के पास में खीर का एक कण लगा हुआ है। केवल इतना दर्शन मात्र हो गया कि खीर का एक कण ठाकुर जी के होठ पर लगा हुआ है। इसका मतलब यदि ताली बजाते, यदि पहले से थोड़ा कर देते, ठाकुर जी सहज हो जाते। बिना किसी संकेत के ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी भोग लगाते लगाते अब जल्दीबाजी में पहुंचे तो खीर लगी रह गई ठाकुर जी। ऐसे कभी हम भी अपने घर के ठाकुर जी के सामने भोग रखें, और कभी जानबूझ के करोगे तो नहीं होगा काम, कभी अनजान में कभी कुछ ऐसी लीला हो जाए कि आप अपने नियम से पहले ही ठाकुर जी के समीप पहुंच जाओ और ठाकुर जी जो ऐसे बैठे हैं वो कहीं आपको ऐसे दिखाई दे जाएं तो महाराज अपना जीवन सफल मान लेना।